हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए सेकेंड यूनिट टेस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का हाफ ईयरली प्लस स्पेशल हाफ ईयरली दोनों ही फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स में सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे ये कछार डिस्ट्रिक्ट का मिला है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चंस की आइडिया हो जाएगी और ये आप लोगों के कमिंग एग्ज़ाम यानी कि यूनिट टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्क्स दिया हुआ है 50 और टाइम आपका दिया हुआ है 1.5। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 8 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहला है राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन दी एटॉमिक मास यूनिट, देन व्हाट इज मीन्ट बाय दी टर्म केमिकल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूल मास ऑफ C2H6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, देन वाई शुड वेब्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेब्स, देन डिफाइन रिवर्विएशन। ये रिवर क्या है? वन का क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन रिवर्ब्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दी 3 मीडिया एयर वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आईज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर पॉली एटोमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, what are the functions of the stomata, then question number 9, sound waves travel with a speed of about 330 meter per second, what is the wavelength of sound whose frequency is 550 hertz. Okay, question number 10, define time period and frequency, then what is the frequency of a sound wave whose time period is 0.05s. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू, नेम एनी टू बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स, व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूल मास ऑफ वाटर H2O एंड HNO3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स एंड सॉरी कार्डिक मसल एंड ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 Hz, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। Does sound follow the same laws of reflection as light does? Explain. Then question number 16, this is our last question. Differentiate between parenchyma, colenchymas and salenchyma on the basis of their cell wall. Okay,
सो ये आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल सबका क्वेश्चन पेपर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।